हेलो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से जुड़े कुछ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो ये एरर्स हैं ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है, आज हम इससे जुड़े एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला सेंटेंस लिख देता हूँ और आप बताना कि उसमें क्या एरर है। ठीक है, मैं लिखता हूँ जैसे सी विल नॉट कॉल यू, वह आपको कॉल नहीं करेगी इफ यू विल नॉट कॉल हर। इसका मतलब है वह आपको कॉल नहीं करेगी जब तक कि तुम उसे कॉल नहीं करोगे। क्या आप इसमें बता सकते हो कि इसमें एरर क्या है? सेंटेंस तो बोलने में सही लग रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग तो सही है, बट इसमें एक एरर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी सेंटेंस में कहीं पे भी कंडीशनल वर्ड्स आ जाएँ, कंडीशनल वर्ड्स के आपके पास इफ़, जैसे कि ये है आपका कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे इफ़ हो गया आपके पास, ठीक है, एज सून एज हो गया आपके पास, इन केस हो गया आपके पास, अनलेस हो गया आपके पास और अनटिल हो गया आपके पास। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? आपके ये आपके कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह की कंडीशनल वर्ड्स आ जाते हैं तो इन कंडीशनल वर्ड के बाद आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस आपका यूज होगा। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है तो फ्यूचर टेंस आपका यूज नहीं होगा, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विल नॉट की जगह पे आपको करना है यू डू नॉट, डू नॉट कॉल हर, जब तक कि तुम उसे कॉल नहीं करोगे वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, इसका मतलब है। अब ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों, पहले इफ वाला यहाँ पे आ जाए, इफ यू डू नॉट कॉल हर सी विल नॉट कॉल यू। तो आपका ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, एक्सचेंज भी हो सकते हैं, पहले ये वाला आ सकता है कंडीशनल वर्ड, उसके बाद ये आ सकता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको सिर्फ ये देखना है जहाँ पे कंडीशनल वर्ड है उसके बाद आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसको फिलहाल के लिए रफ कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ही वोंट डांस, ही वोंट डांस, वोंट का मतलब होता है दोस्तों आपके पास विल नॉट, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ही वोंट डांस अनलेस यू वोंट प्ले गिटार। अब इसका मतलब है दोस्तों कि वह नहीं नाचेगा जब तक कि तुम गिटार नहीं बजाओगे। ठीक है, ये है। क्या आप इसमें एरर बता सकते हो? एरर आपको देखना है, तो एरर देखने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पे ये आपका कंडीशनल वर्ड यूज़ हुआ है। यहाँ पे कंडीशनल वर्ड क्या है? अनलेस है। तो अनलेस कंडीशनल वर्ड है, तो इसके बाद देखना है आपको कि इसके बाद जहाँ भी कंडीशनल वर्ड है उसके बाद आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। तो यहाँ पे तो आपने फ्यूचर यूज़ किया है, विल नॉट यूज़ किया है, तो आपको यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसका यू डू नॉट, यू डू नॉट प्ले गिटार। बट अभी भी इसमें एक एरर है दोस्तों, क्या वो बता सकते हो? ये छोटे छोटे एरर नहीं देखने आपको, यू डू नॉट प्ले गिटार। अब ये सेंटेंस तो सही लग रहा है, बट एरर क्या है? एरर ये है, ये आपका जहाँ पे भी अनलेस आ जाए और जो आपका अनटिल होता है, अनलेस होता है जो आपका अनटिल होता है, ये पहले ही सेंटेंस की नेगेटिव सेंस दिखाते हैं दोस्तों, ये नेगेटिव होते हैं। अगर ये नेगेटिव होते हैं तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अनलेस का मतलब ही आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस दिखाता है जब तक तुम नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डू नॉट नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो अनलेस यू प्ले गिटार, ही आपका सेंटेंस अब बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं हम, जैसे कि लास्ट कर लेते हैं, इफ यू स्पीक इंग्लिश, इफ यू स्पीक इंग्लिश ही विल गिव यू मनी।
अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो वो आपको पैसा देगा, मनी देगा। क्या ये आपका सेंटेंस सही है दोस्तों, क्या आप बता सकते हो? अब आपको देखना है कंडीशनल वर्ड क्या है, ये है इफ़ है। इसके बाद आपका क्या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज हो रहा है? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज हो रहा है इफ़ यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आपका उसके बाद क्या आएगा, ही विल गिव यू मनी, अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो वो आपको पैसा देगा। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ही सही है दोस्तों। अगर आपका सेंटेंस सही है तो सही होगा, गलत कैसे हो सकता था? इफ यू विल, अगर आपको यहां आ जाए इफ यू विल स्पीक इंग्लिश ही विल गिव यू मनी, तो आपको देखना है कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड में आपका विल नहीं लगेगा, यहां पे आपका प्रेजेंट टेंस लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से जुड़े एरर्स आपको समझ में आ चुके होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।